Is he? Okay, so Miss Pallavi, are you ready? Your time starts now. Good evening. Good evening. आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर के बारे में. आज हमारा टॉपिक होगा जेंडर. क्या होगा जेंडर? जेंडर क्या होता है? हम जानते हैं जियोनी जेंडर टेबल के अंदर होता है वैसे जेंडर. अभी पता चल जाएगा. आप खड़े हुए, अब ये बताइए कि आप अगर लड़के हैं तो खुश क्यों हैं? क्या ऐसा है आप में जो आप लड़कियों से डिफरेंट पाते हैं और आपको खुशी मिलती है कि आप लड़का? ऐसा क्या है आप में? दो पॉइंट बताइए. As we are having a little bit more power and energy in the body. सर मैडम इसको बोलो ना हिंदी में बोले. हमारे पास काम करने का ताकत बहुत ज्यादा होता है. हमारे भी समाज में देखते हैं कॉन्फिडेंस दिया जाता है. अच्छा ताकत ताकत ज्यादा होने का मतलब है जेंडर. अच्छा ठीक है. क्या बोल रहे हैं? आपको भी मौका दिया गया. ठीक है मैडम. दूसरा पॉइंट बताइए. गॉसिप्स में हम लोग अच्छे रहते हैं. लड़कियां टाइम वेस्ट करती है गॉसिप्स में, लड़के नहीं करते. अच्छा अच्छा, मतलब उसका मतलब उसका मतलब जेंडर होता है मैडम? मैम जेंडर होता क्या? मैं बताऊंगी क्या है. पहले आप ये बताइए कि अगर आप लड़की है, आप लड़की है तो आप खुश क्यों है? आप में ऐसा क्या डिफरेंट है लड़कों से जो आप अपने आप को ज्यादा सक्षम पाती हैं कि आप में कुछ अलग है, कुछ एक्स्ट्रा है? ये कुछ नहीं है मैम, लड़की होकर के ये चाहती है लड़का. नहीं मैम, लड़का होना चाहते हैं मैम. क्यों? मैम लड़का लोग बहुत ताकत होता है, वो लोग रात को कहीं भी घूम सकते हैं. अच्छा, मतलब कि उनको फ्रीडम ज्यादा मिलता है? बहुत मिलता है मैम. ओके, हम लड़कियों का बिल्कुल खुश हैं. लड़कियों के बिल्कुल खुश नहीं है? आप खुश नहीं है लड़कियों? नहीं, आप में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, बस आप लड़का बनना चाहते बस. जी आप लड़का बनना चाहती हैं? आप खुश हैं? खुश. मैम आप बताइए कुछ. थैंक यू. कुछ नहीं पता मैम, कुछ में पता नहीं है कि आप लड़की है तो कुछ अलग क्या डिफरेंट है आप में लड़कों से? यही है कि हम खाना ज्यादा खाते हैं. खाना ज्यादा खाते हैं लड़कों से. मैं भी चुगली बहुत करती है. अच्छा आप किस तरह से कोई नहीं बताएगा कोई भी कि आप लड़कियों से अपने आप में अलग क्या पाते हो? क्यों खुश हो आप कि आप लड़के हो? सर आप यस मैम आप कुछ बताइए. आई एम रिस्पांसिबल. रिस्पांसिबल है आप लड़कियों से ज्यादा? मैम जेंडर का हिंदी होता है लिंग. लिंग? हाँ. मेरे पापा मेरे मम्मी को बहुत मारते हैं मैडम. दारू पी के आता है, बहुत मारता है. तो मैं मेरे पापा से बिल्कुल खुश नहीं. तो इससे क्या आपको समझने को मिला वो क्यों मारते हैं? यानी कि वो महिला को कमजोर समझते हैं? वो अपने आप को ज्यादा ताकत समझते हैं. वो अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझते हैं और महिलाओं को कम आंकते हैं, इसलिए वो इस तरह की हरकत करते हैं. और आपकी माँ इसलिए सहन करती है क्योंकि वो अपने आप को कमजोर समझती है या फिर उनकी इज्जत है, राइट? ओके, जैसे मेरी माँ तो मारती है मेरे पापा को. उल्टा होता है. अच्छा आपकी माँ मेरे घर में लड़के ही पिटते हैं, लड़कियाँ बच जाती हैं. कोई नहीं, इसके तो मम्मी पापा दोनों मारते हैं. नहीं मेरा केस बोल दीजिए मैडम. इसका तो मेरा क्या है? दोनों मारते हैं. अभी अभी केस फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, फाइनल डिसीजन हो जाएगा, आप इंतजार कीजिए. ठीक है. ठीक है, जैसा कि सर ने कहा कि इनको फ्रीडम ज्यादा मिला हुआ है इसलिए ये ज्यादा खुश है. मैम ने कहा कि वो लड़का बनना चाहती है, उन लड़कों में एबिलिटी ज्यादा होती है किसी भी काम को करने के लिए, उनमें काम करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है. अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आपकी आंखें हैं? हाँ, दो आंखें. आप इसमें से किसको बड़ा और किसको मिला के चाहते? मेरी तो चार लोग हैं. आप अपनी आंखों में से किसको बड़ा और किसको छोटा समझती हैं? चश्मा को बड़ा आता है, आंखों को छोटा. अच्छा चश्मा की बात छोड़ दी जाए तो आप किसी को बड़ा या किसी को छोटा समझते हैं? मेरा तो सच में एक अंक बड़ा और एक अंक छोटा है, ऐसे करके देखती हूँ मैम. मैं
मतलब चश्मा हटाने की बात है, मैं चश्मा साइन की बात नहीं कर रहा। मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही हूँ कि हमारी दोनों आंखें बराबर है, ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है। और इस एग्जांपल के थ्रू मैं ये समझाना चाह रही हूँ किया, सबको बहुत प्यार से हैंडल किया, अच्छे से हैंडल किया।